आतंक का साम्राज्य अब खत्म होने की कगार पर है। बगदादी को बिल में घुसकर मार दिया जाएगा क्योंकि यमराज खुद उसके खात्मे के लिए जमीन पर उतरे हैं। लेकिन चिंता ये भी है कि कहीं बगदादी दुनिया को विश्व युद्ध में न धकेल दे जाते जाते। क्यों, कैसे, ये सब आज स्पेशल रिपोर्ट में आपको बताएंगे। तो देखिए कैसे खून के आंसू रोएगा बगदादी। मध्य पूर्व में जो दहशत फैली है उसका जिम्मेदार है एक दरिंदा बगदादी। लेकिन क्या यह मुमकिन है कि उस दरिंदे को उसके बिल में घुसकर मारा जाए? तड़पा तड़पा कर मौत देने वाली ये तस्वीर है। खौफ ज़दा करने वाली ये तस्वीर है। अतीत को जमींदोज करने वाली ये तस्वीर है। इतिहास को हथौड़ों से तोड़ देने वाली ये तस्वीर है। औरतों के शरीर को बाजार में बेचने वाली तस्वीर। इंसानी भेष में तबाही मचाते हुए इन शैतानी भेड़ियों को देखकर आप समझ गए होंगे कि इनकी हुकूमत में जिंदगी और जमीन के साथ कैसे सलूक होता है। इन तस्वीरों को देखकर आप ये भी समझ गए होंगे कि इराक और सीरिया के जिन हिस्सों में इस्लामिक स्टेट का कब्जा है वहां की हकीकत क्या है। आईएस के ये आतंकी तबाही फैलाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। इनके पास इनके हथियार आ चुके हैं जिनसे ये बहुत बड़ी बर्बादी फैला रहे हैं। जुलाई के महीने एक रिपोर्ट आई थी जिसमें कहा गया था कि इस्लामिक स्टेट के पास करीब 2500 से ज्यादा रॉकेट्स हैं और इनका हर शैतान खुद ही चलता फिरता बम है। लेकिन बगदादी के इन शैतानों के बाप आ गए हैं इनका खात्मा करने के लिए। कहते हैं पापों का घड़ा जब भर जाता है तो वो फूटता ही है, और अब बगदादी के पापों का घड़ा भर चुका है क्योंकि मौत बांटने वालों के पीछे पड़ गए हैं यमराज। मौत बांटने वालों के पीछे पड़े यमराज। बगदादी एंड कंपनी का काउंटडाउन शुरू। आईएस का सर्वनाश हो जाएगा। खत्म हो जाएंगे इंसानियत के दुश्मन। शैतानों के ठिकानों पर मचने लगा कोहराम। अभी तक आपने इस्लामिक स्टेट का खौफनाक चेहरा देखा है, लेकिन आज आपको दिखाते हैं इनसे भी बेखौफ लड़ाकों को, जिन लड़ाकों ने इस्लामिक स्टेट का खात्मा करने के लिए सीरिया में डेरा डाला है। वो कौन है, कैसे है, कहां के हैं, सब आपको बताएंगे। आप भी सोच रहे हैं कि इस्लामिक स्टेट जिसने दुनिया की नींद हराम कर दी है, जिस बगदादी ने जुल्म और सितम की हर इंतहा पार की, उसकी नींद किसने हराम की? जो आतंकी संगठन इतना भयावह है कि कल्पना करके भी रोंगटे खड़े हो जाएं, जिस संगठन का हर आतंकी फिदाइन हो और किसी भी वक्त खून देने के लिए और लेने के लिए तैयार हो, फिर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उनको खत्म करने वाले किस हद तक ताकतवर होंगे। रूस के यमराज करेंगे आईएस का अंत। जल जमीन और आकाश के किंग हैं स्पेट्सनेज। आतंक के खिलाफ शुरू हुआ ऑपरेशन। जी हां, रशियन स्पेट्सनेज अब बगदादी को बिल से निकालकर मारेंगे क्योंकि रूस ने सीरिया में अपना ऑपरेशन शुरू कर दिया है और रशिया ने इस्लामिक स्टेट के खिलाफ उतारे हैं अपने 5 हथियार। कौन है वो 5 हथियार और कैसे करेंगे वो इस्लामिक स्टेट का खात्मा, देखिए समाचार प्लस पर। स्पेशल डेस्क, समाचार प्लस।
सीरिया की जंग अब शायद खत्म होने वाली है क्योंकि जमीन पर आतंकियों का खात्मा करने के लिए खुद यमराज उतरे हैं। जी हां, वो जमीन के यमराज हैं। SU-25 फ्रॉगफुट दुनिया के उम्दा अटैक एयरक्राफ्टों में से, MI-24 हिंद सर्वश्रेष्ठ सपोर्ट हेलीकॉप्टर, PTR-82A बेहद ताकतवर रशियन टैंक है ये, UAV मशहूर मानव रहित ड्रोन है ये, स्पेट्सनेज यानी दुनिया की बेखौफ स्पेशल फोर्स, ये वो 5 हथियार हैं, या यूं कहें कि ये वो 5 रशियन पांडव हैं जो बगदादी के काले साम्राज्य में कोहराम मचाने लगे हैं। और अब बगदादी खून के आंसू रोएगा, लेकिन आपको हम ये बता दें कि इन 5 में से अगर सबसे ज्यादा कोई खतरनाक है तो वो है स्पेट्सनेज। ये दुनिया की सबसे ताकतवर और खूंखार स्पेशल फोर्स में शुमार होने वाली रशियन फोर्स है और ये सीरिया और इराक में बगदादी का खात्मा करने के लिए तैनात हुई है। दुनिया को एक बार फिर से बताया कि उसके पास बहुत सोफिस्टिकेटेड वेपन है जिससे वो 1800 किलोमीटर की दूरी से या 1000 किलोमीटर की दूरी से अटैक कर सकता है। हवाई जहाज हैं, मिसाइल्स हैं, और फिर जो शिप जिससे ये अटैक हो रहा है, ये सब स्टेलथ बॉम्बर्स वगैरह का इस्तेमाल करना, स्टेट ऑफ आर्ट टेक्नोलॉजी जो डेवलप की उसने लेटेस्ट, उसका प्रदर्शन भी हुआ है और ये भी उसने अपने को दिखा दिया कि वो किसी के दबाव में नहीं आएगा। आतंक के आका को मारने आ गए वो, दुनिया को बचाने आ गए हैं वो, स्पेट्सनेज बगदादी को बिल से निकालेंगे। स्पेट्सनेज के बारे में कहते हैं कि वो जमीन पर चलते फिरते यमराज है और आप इस ट्रेनिंग वीडियो को देखकर ये अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना तपाया जाता है इन कमांडो को ट्रेनिंग के दौरान। ये स्पेशल फोर्स चेचेनिया, क्रीमिया, यूक्रेन में अपनी ताकत दिखाने के बाद अब सीरिया में होगी। रशिया के ये बेखौफ सिपाही सीरिया में कहर बरपाने के लिए तैयार है। रशिया अपनी एयर पावर और स्पेशल फोर्स के साथ सीरिया में एयरबेस बनाकर इस्लामिक स्टेट पर टूट पड़ा है। रूसी लड़ाकू विमानों ने सीरिया में इस्लामिक स्टेट के ठिकानों पर हवाई हमले करके बगदादी की नींदें खराब कर दी हैं। रूस ने हमलों की शुरुआत होम्स से की। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने संयुक्त राष्ट्र में इस्लामिक स्टेट के खिलाफ हवाई हमलों के बारे में कहा था। रूस इस बात का को डिमॉन्स्ट्रेट करना चाहता है, बताना चाहता है कि उसको बहुत ज्यादा कंटेन नहीं किया जा सकता, उसको बहुत ज्यादा पिंजड़े में नहीं घेरा जा सकता। दूसरी बात ये कि उसने अपनी शक्ति का एक बार फिर से प्रदर्शन किया है और वो जो बड़े देश थे जिनको हम लोग अंतर्राष्ट्रीय समुदाय कहते थे, जो लोगों की कोशिश थी कि रूस पे सैंक्शन दबा के उसको दबा दिया जाएगा, लगा के सैंक्शन दबाया जाएगा, मैं समझता हूँ उसके खिलाफ उसने एक बार फिर से डिमॉन्स्ट्रेशन दिया है। दुनिया के सबसे बड़े आतंकी से निपटने के लिए पुतिन ने अपने सबसे मजबूत सिपाहियों को जंग में उतारा है। ये सबसे बड़े खिलाड़ी हैं। स्पेट्सनेज सबसे खतरनाक आतंकियों को खत्म करने के लिए सबसे बेखौफ फोर्स है। आतंक के आकाओं को उनके गढ़ में मारने वो जमीन से आते हैं, पानी से निकलते हैं, आसमान से उतरते हैं। दुनिया को बचाने के लिए ये फोर्स सीरिया में अपना अभियान शुरू कर चुकी है। इन बेखौफ जांबाजों में इतनी कुव्वत है कि ये कुछ ही घंटों में बगदादी का खात्मा कर सकते हैं। रूस की ये फोर्स दुनिया की सबसे जालिम फोर्स है। दुनिया भर में आतंक का राज कायम करने वाला बगदादी अब बिल से निकाल कर मारा जाएगा। स्पेट्सनेज को जिम्मेदारी दी गई है आतंकियों को चुन चुन कर मारने की। ये वो स्पेशल फोर्स है जो आतंकियों की मौत पर जश्न मनाती है। इस्लामिक स्टेट के जिस आतंक का खौफ दुनिया को डरा रहा है, उसको खत्म करने के लिए इस फोर्स ने स्पेशल तैयारी भी की है। सीरिया से 5000 किलोमीटर दूर रूस की ये सेना जबरदस्त तैयारियों को अंजाम दे रही है और ये बगदादी को मौत का पैगाम है। पहले आसमान से बम गिराती है ये फोर्स,
फिर जमीन पर उतर कर करती है दुश्मन का खात्मा। स्पेट्सनेज आग के भीतर से निकल जाते हैं और आतंक का मौत तक पीछा करते हैं। अब इनका टारगेट है बगदादी। ये रशिया की मिलिट्री इंटेलिजेंस की फोर्स है। बगदादी को कैसे बाहर निकालेगी ये फोर्स, जरा ये भी देख लीजिए। ये तो सिर्फ डेमो है। बगदादी के लिए यमराज बनकर आए हैं स्पेट्सनेज, और अब वो दिन दूर नहीं जब जमीन से इस्लामिक स्टेट का नामो निशान मिट जाएगा। लेकिन इन यमराजों के पांव में बेड़ियां भी हैं वैश्विक दबाव की। आगे आपको वो भी बताएंगे। स्पेशल डेस्क समाचार। ने आपको बताया था कि अब बगदादी बच नहीं सकता, चाहे वो कहीं भी छुप ले। रूस का सैन्य अभियान भले ही आईएस का खात्मा कर रहा हो, लेकिन वो सवालों के घेरे में भी है, और ये सवाल उठाए हैं नाटो और अमेरिकी सैनिक गठबंधन ने। क्यों, ये इस रिपोर्ट में देखिए। क्या विश्व युद्ध की आहट है ये? अमेरिका को बच नहीं रहे रूसी हमले। आईएस के खिलाफ दो फाड़ हुई दुनिया। जिस बगदादी को खत्म करने के लिए रूस ने अपनी सबसे ताकतवर सैन्य दस्ते को मैदान में उतारा है, उसे पैदा किसने किया या वो पैदा कैसे हुआ? जिस बगदादी ने इस्लामिक स्टेट को मध्य पूर्व और दुनिया के लिए चुनौती कैसे बना दिया? और जिस बगदादी ने दुनिया को दो फाड़ में बांट दिया, वो कितना बड़ा खतरा हो गया है, ये जानना जरूरी हो जाता है। अमेरिकी साम्राज्यवाद से पैदा हुआ आईएस, सद्दाम के शासनकाल से हुआ आईएस का उदय। जब तक इस्लामिक स्टेट अमेरिकी, ब्रिटिश, फ्रांसीसी साम्राज्यवादियों और अरब देशों में सऊदी अरब, कतर और कुवैत की शह पर चलता रहा और सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल असद का तख्ता पलट करने में लगा रहा, तब तक तो सब ठीक था। लेकिन जब इसके आतंकी अमेरिका के हाथों से निकलकर उसके ही खिलाफ हो गए, तब ये अमेरिका के लिए दुश्मन हो गया। इस्लामिक स्टेट, अलकायदा और तालिबान की तर्ज पर अमेरिकी साम्राज्यवाद से पैदा हुआ भस्मासुर है, जो अब अपने आका को ही शिकार बनाने लगा है। इस्लामिक स्टेट जो कभी अलकायदा का टुकड़ा था, उसने इराक और सीरिया के ज्यादातर हिस्सों में खुद को खलीफा घोषित कर दिया है। इराक में 2003 के अमेरिकी हमले के बाद ही आईएस ने अपनी जड़ें जमानी शुरू की थी। अमेरिकी हमले में सद्दाम हुसैन के मारे जाने के बाद इराक में घोर अराजकता फैली और इस्लामिक कट्टरपंथियों के पनपने की जमीन तैयार हुई थी। उसी जंग की उपज है बगदादी, जो जरकावी के बाद इस्लामिक स्टेट का सबसे ताकतवर खलीफा बना है। अमेरिकी हमलों के बाद जब सुन्नी इस्लामिक कट्टरपंथी अलकायदा ने इराक में पैर जमाना शुरू किया था, तब इस्लामिक स्टेट का नाम था अलकायदा इन मेसोपोटामिया, और यही संगठन 2006 में इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक बना और बाद में आईएसआईएस या सिर्फ आईएस के नाम से खौफ का पर्याय बन गया। और उसी को खत्म करने के लिए रूस गठबंधन और अमेरिकी गठबंधन जंग में कूदे, और यही दुनिया को बांटने वाले दो धड़ हैं। सीरिया में रूसी हमलों का हो रहा है विरोध। अमेरिकी गठबंधन सेना कर रही है रूस का विरोध। रूस ने कैस्पियन सागर में चार युद्धपोतों से जैसे ही आईएस के 11 ठिकानों को तबाह करने के लिए 26 मिसाइलें दागी, आईएस के कुनबे में तो खलबली मची, नाटो में भी खलबली मची। हम आपको बता दें कि नाटो 26 देशों का सैन्य गठबंधन है, जो दुनिया में आतंकवाद से लड़ने और वैश्विक शांति को बनाए रखने के लिए एक साथ लड़ता है। एक तरफ सीरिया के लिए रूस, सीरिया, ईरान और लेबनान है, और दूसरी तरफ नाटो देश के अलावा तुर्की, सऊदी अरब, कतर, ब्रिटेन और फ्रांस। पुतिन ने पापियों के नाश के लिए भले ही कमर कस ली और बगदादी की नाक में दम होने लगी, लेकिन सीरिया में रूसी हमलों ने वैश्विक स्तर पर काफी हलचल भी पैदा कर दी है। रूस की भूमिका को लेकर भी इसराइली और अरब नेताओं में मची खलबली इसकी वजह बनती जा रही है, और शायद विश्व युद्ध की
अब जरा परेशानी देखिए, दोनों धड़ों के रूस में करीब 2 करोड़ मुसलमान रहते हैं और पिछले सालों में वहां इस्लामिक स्टेट कट्टरपंथ के कारण आतंकवादी गतिविधियां होती रही। 1700 रूसी आईएस से जुड़े हुए हैं। वहीं CIA का दावा है कि आईएस में 20,000 विदेशी मूल के लोग शामिल हैं। दूसरी तरफ FBI के स्टिंग ऑपरेशन में पता चला है कि कुछ तस्कर महज 25 लाख यूरो में इस्लामिक स्टेट को कोहराम मचाने का सामान मिलकर बेच रहे हैं। पूर्वी यूरोप के कुछ तस्कर परमाणु बम बनाने के लिए जरूरी तकनीक और सामान बेच रहे हैं। तस्कर इस्लामिक स्टेट और अरब के दूसरे आतंकवादी संगठनों से संपर्क करना चाह रहे हैं। पूर्वी यूरोपीय देश मोल्डोवा की राजधानी किसिनाउस के एक हाई फाई नाइट क्लब की तस्वीरें हैं ये, और इसी में हुई हथियारों के तस्करों से ग्राहकों की मुलाकात। तस्करों ने वादा किया कि वो रेडियो एक्टिव तत्व CGM की सप्लाई कर सकते हैं, इसके बदले उन्होंने 25 लाख यूरो मांगे। आप डर्टी बम बना सकते हैं जो इस्लामिक स्टेट के लिए एकदम ठीक रहेगा। अगर आपका उनसे संपर्क है तो कारोबार बड़े आराम से चलेगा। स्टिंग ऑपरेशन के टेप और इंटरव्यू सुनने के बाद पता चला कि अमेरिका से नफरत करने वाले कुछ गिरोह मध्य पूर्व तक परमाणु बम की तकनीक और उसके लिए जरूरी माल पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। AP के पास बम बनाने के जरूरी सामान और दस्तावेजों की तस्वीरें और वीडियो भी हैं। मोल्डोवा के जांच अधिकारी कोस्टिन मालिच ने इस बात का खुलासा किया। एक तस्कर ने कहा, मैं एक इस्लामी खरीदार चाहूंगा क्योंकि वह अमेरिका पर बम मारेगा। हम ऐसे और मामलों की उम्मीद कर सकते हैं जब तक तस्करों को ये पता लगता है कि वो बिना गिरफ्त में आए बहुत पैसा कमा सकते हैं, तब तक ये जारी रहेगा। बहुत बड़ा खतरा है, बहुत समय से ये लोग कोशिश कर रहे हैं। अलकायदा ने तो एक पूरा डिपार्टमेंट बनाया था न्यूक्लियर का, जिसके अंदर डर्टी बम्स बनाने का, न्यूक्लियर वेपन तो नहीं बल्कि न्यूक्लियर का जो मटेरियल होता है यूरेनियम के ज़रिए उनका इस्तेमाल करना बम में, जो कि बड़ा ख़तरनाक होता है जिसके असर कई 100 साल तक रहते हैं। तो उन्हीं ने पहले भी कोशिश की थी। जो भी बड़ा आतंकवाद इस समय ISIS बड़ा आतंकवादी संगठन है, उसकी भी यही कोशिश है। और ये सभी सभ्य देशों के लिए और खासतौर से उस क्षेत्र के सभी देशों के लिए बहुत चिंता का विषय है। ये स्ट्रिंग ऑपरेशन अमेरिकी खुफिया एजेंसी FBI और मोल्डोवा के जांचकर्ताओं ने किया है। चिंता इसलिए भी बढ़ रही है क्योंकि सीरिया और इराक के बड़े हिस्से में कब्जा कर चुके इस्लामिक स्टेट को लेकर दुनिया की 2 ताकतें 2 धड़ों में बटी हैं और सबसे बड़ी बात आतंकी परमाणु हथियार भी हासिल करना चाहते हैं, और इसलिए दुनिया विश्व युद्ध से अछूती नहीं है। स्पेशल डेस्क समाचार। अमेरिका और रूस आमने सामने क्यों हैं? ये सवाल भी समझना जरूरी है, और ये भी कि दुनिया के लिए आईएस को खत्म करना जरूरी क्यों है। सीरिया में जहाँ तक सवाल है, ये उनका बहुत ही फ्रेंडली मुल्क है और बहुत इम्पोर्टेंट असेट्स हैं वहाँ पे, उसके मिलिट्री असेट्स हैं, नेवल बेस है, एयरफोर्स बेस है, तो उसकी वजह से वो नहीं चाहता कि वो उसकी वहाँ पे जो सपोर्ट बेस है ख़त्म हो। और सपोर्ट बेस जो है वो हाफिज असद के पुत्र जो हैं इस समय बशर अल असद और उनकी सेना, उसको बचाना, उसका उनकी हुकूमत और उसकी सेना को बचाना। अमेरिका और रूस की तनातनी आज की नहीं है, ये काफी पुरानी है, लेकिन मध्य पूर्व में ये उभर कर सामने आई। UN में पुतिन की मदद के लिए अमेरिका ने हामी तो भरी थी, लेकिन बाद में तलखी सामने आने। जरा आंकड़ों में इस लड़ाई की एक झलक देख लेते हैं कि रूस के आक्रमण से पहले अमेरिकी गठबंधन ने IS पर कितना कहर बरपाया है। अमेरिका की अगुवाई में करीब 60 देश एक साथ। पेंटागन ने सीरिया के लिए $50 करोड़ का बजट बनाया। अलग अलग देशों में 20,000 से ज्यादा लोग IS के साथ जुड़ चुके हैं। ICSR की रिपोर्ट कहती है कि इनमें से 4,000 से ज्यादा पश्चिमी यूरोप और उत्तरी अमेरिका से हैं। अगस्त 2014 से अमेरिका सीरिया और इराक में इस्लामिक स्टेट के ठिकानों पर हवाई हमले कर रहा है। सीरिया में अब तक 1,422 और इराक में 2,242 हमले किए जा चुके हैं।
वहीं जर्मनी सीरिया से लौटे 30 कथित आतंकवादियों पर मुकदमा चलाने जा रहा है। ये दोनों दलों की कार्रवाई का लेखा जोखा था। अब आपको बताते हैं कि रूस और अमेरिका में तनातनी क्यों है। अमेरिका सीरिया से असद के शासन को खत्म करना चाहता है, रूस बचाना। असद मध्य पूर्व में रूस के आखिरी बचे हुए सहयोगी हैं और अमेरिका के दुश्मन। ईरान समझौते से अमेरिका और असद के सबसे अहम साथी ईरान के बीच टकराव। क्रीमिया के कब्जे और यूक्रेन में लड़ाई के बाद मुख्य धारा में आ जाएगा रूस। विश्व सत्ता के रूप में रूस की फिर से स्थापित होने की कोशिश। असद सरकार बच जाएगी जो रूस की ताकत का सबूत होगी। रूस स्थायी रूप से मध्य पूर्व के मामलों में किरदार बना रहेगा। चीन और पाकिस्तान रूस के साथ मजबूती से जुड़े रहेंगे। ये सब वो बातें हैं जो रूस और अमेरिका में तनातनी की वजह है। लेकिन फिलहाल तो मुश्किल ये ही है कहीं बगदादी विश्व युद्ध की वजह न बन जाए और उसको मिटाने के चक्कर में ये मुल्क आपस में न भिड़ जाए। वैसे आपको ये बता दें कि रूस ने जब से आईएस पर हमला करना शुरू किया है तब से खलबली तो मची और इसका सबूत भारतीय खुफिया एजेंसियों को मिला है। एजेंसियों ने हाल ही में एक कॉल को इंटरसेप्ट किया है जिसमें सीरिया में रूसी हमले से खौफ ज़दा आईएस में शामिल एक भारतीय आतंकी वापस घर लौटने की बात कह रहा है। ये आतंकी 6 महीने पहले आईएस में शामिल हुआ था। स्पेशल डेस्क, समाचार प्लस।